अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव कराने का भाजपाइयों ने धरना देकर सरकार पर धनबल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर व अध्यक्ष को पार्षद द्वारा चुने जाने की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने शासन के मंशानुरूप महापौर व अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने की अनुशंसा की है। निकाय चुनाव EVM की बजाय बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश की गई है। इससे पहले सभा को जिला भाजपा अध्यक्ष उषा टावरे सहित अन्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार इस समय भयग्रस्त है। दीदी बताएंगे क्या कारण है आप लोग के यहाँ पर? जो अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री द्वारा जो महापौर का चुनाव जो पहले से जनता चुनती आई है स्थानीय और अब वह पार्षदों द्वारा चुना जाएगा और वो भी तब उन्होंने निर्णय लिया जब आरक्षण लागू हो गया उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, तो ये एक लोकतंत्र का हनन है। और दूसरी बात ये है कि खुद तो EVM से चुन के विधानसभा में और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाए हैं और अभी हमारे नगरी निकाय के चुनाव में नगर निगम के चुनाव में बोलते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इसका एक ही कारण है कि कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल को डर है कि हम हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये दुनिया भर के आडंबर जो पिछले बार नहीं थे इस बार किए। मैडम जैसे कि अब EVM से चुनाव होने जा रहा है, सॉरी बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है, EVM से नहीं, ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? आज बात मुख्यमंत्री जो है उनको आज डर है क्योंकि उनके गलत घोषणा में कहीं कहीं जनता उसके पीछे चली गई। अब जनता को पता है कि वास्तविक में इनका जो झूठा घोषणा जो अभी लोकसभा में पता परिवर्तन हुआ पूरे जनता अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अब उनको पता चला तो तुरंत महापौर का चुनाव पार्षद के द्वारा होगा। कहीं कहीं उनके मन में यही डर है आज 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी महापौर है, भारतीय जनता पार्टी की महापौर नगर निगम में है, हमारे छत्तीसगढ़ में 8 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की महापौर है। सरकार भी चाह रही है कि पार्षद के थ्रू जो महापौर चुनना है वो उसके मन में डर है, इसलिए वो यही सोच रहे। पर जनता समझ गई है आज जनता का अधिकार का हनन हो रहा है। जनता के बीच से महापौर चुन के आते थे उसका अलग होता था, महापौर का अलग सम्मान होता था। आप लोग की क्या मांग? आप लोग की क्या मांग? हम लोगों की मांग है कि जैसे जनता के बीच में महापौर चुन के आते हैं वैसे ही होना चाहिए। अगर नहीं मानी जाएगी तो आप लोग क्या सड़क पर उतरेगी भारतीय जनता पार्टी? जनता साथ है हमारे। हेलो हेलो, जैसे कि आप युवा नेता है तो ये परिवर्तन को किस नज़र से देखते हैं आप? इसी भी बात है जिस प्रकार से इन्होंने झूठा वादा करके प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली बात है जिस EVM के माध्यम से उन्होंने बाहरी बहुमत से सरकार बनाई थी आज उसी EVM को वो खारिज कर रहे हैं और मत पत्र के माध्यम से चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा इस बात से स्पष्ट है वो हेर फेर करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। जनता के मन में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है और उनके झूठे वादों को जान गई है। अब नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से खरीद फरोख को करने के दृष्टि से और बलपूर्वक छल बल से अपनी सरकार बनाने के लिए नगर निकायों में इस प्रकार से ये संशोधन भी लाए हैं। जनता का जो अधिकार एक प्रकार से ख़त्म कर दिया गया है, उस पर क्या आपका कहना है? निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होता है और मतदाताओं को उनकी पसंद का उम्मीदवार चुनना उनका अधिकार है, ये भारत के संविधान में है। लेकिन इस सरकार ने भारत के संविधान को भी तार तार कर दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर बैठी है। अब ऐसा है जब पार्षद ही एक महापौर चुन के आएगा तो अब क्या लगता है कि कितने पार्षद एक साथ दावेदारी करेंगे आप, क्या लगता है?
ये तो एक प्रक्रिया है, दावेदारी करना हर कार्यकर्ताओं का, हर व्यक्ति का अधिकार है और चुनने का अधिकार मतदाताओं का है, इसलिए इस प्रक्रिया में तो हम केवल इतना चाहेंगे। अब तो चुनेंगे नहीं, अब तो मतदाता चुनेंगे नहीं महापौर, पार्षद तो चुनेंगे। तो ये मतलब एक तो अब जो MIC की जो बैठक है विधानसभा से कम नहीं रहेगी, देखा जाएगा। ये तो भविष्य की कर, लेकिन अभी फिलहाल जो विषय है, जो भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही को होना चाहिए, राजस्थान में पुराने प्रकृति से हो रहा है जहाँ पे कांग्रेस तीन राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों कांग्रेस की सरकार है और तीनों ने एक ही तरह का निर्णय लिया है। इससे पूरे देश में ये मैसेज गया है और पूरे तीनों प्रदेश की जनता में ये मैसेज गया है कि किस प्रकार से ये जनता के अधिकारों का, मध्य प्रदेश में पारित हो गया है, राजस्थान में नहीं, वहाँ भी आने जा रही है। ठीक है, आपका परिचय। जिला अध्यक्ष। हेलो, अच्छा चलते भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मतदाताओं का अधिकार का हनन होने नहीं देंगे, भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, भूपेश बघेल मुर्दाबाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।